नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। नाथनगर के ग्रामीणों ने बाबा दुर्गेश्वर नाथ पर लगाया महिला को गायब करने का आरोप। श्री साधु सेवा आश्रम में जमकर किया हंगामा। गंगा का जल स्तर बढ़ते ही कई गांव हुआ जलमग्न। सुरक्षित स्थानों पर लोग पलायन करने को है विवश। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के आकस्मिक निधन पर देश भर में फैली शोक की लहर। भू राजस्व मंत्री एवं भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व रेलवे के एजीएम ने रेलवे स्टेशन सहित कॉलोनियों का किया निरीक्षण। व्यवस्था में सुधार के दिए निर्देश। और गांधी विचार विभाग में राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। कई विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने गांधी दर्शन पर दिया व्याख्यान। और अब खबरें विस्तार से। अंधविश्वास के नाम पर हमेशा लोग बाबाओं के चुंगुल में फंस जाते हैं। ताजा मामला भागलपुर के भिकनपुर मिश्रा टोली का है, जहां श्री साधु सेवा आश्रम की आड़ में बाबा दुर्गेश्वर नाथ महिलाओं को अपने जाल में फंसा कर ठगी करते हैं। शनिवार को नाथनगर के नूरपुर इलाके के रहने वाले संतोष कुमार अपने कई समर्थकों के साथ भिकनपुर बाबा के आश्रम पहुंचकर जमकर हंगामा किया। दरअसल शुक्रवार को बाबा दुर्गेश्वर नाथ नूरपुर स्थित संतोष के घर पर गए थे, जहां उन्होंने संतोष की पत्नी रिंकू मिश्रा को आश्रम आने की बात कही थी। इसके बाद महिला घर से बाबा के आश्रम जाने की बात कहकर निकली, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने बाबा से संपर्क किया तो बाबा ने कहा कि महिला जल्द ही घर चली जाएगी। वहीं शनिवार को गुस्साए घर वाले बाबा के आश्रम पहुंच गए और महिला को छुपा कर रखने का आरोप लगाया। इस बीच बाबा के घर वाले से नूरपुर के लोग उलझ गए और कहासुनी शुरू हो गई। बचा लो आसाराम की भक्ति नहीं, आसाराम की रखेल आसाराम। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही इसाचक थाना अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु दलवल के साथ श्री साधु सेवा आश्रम पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इस बीच बाबा के घर वालों ने दुर्गेश्वर नाथ को घर में ही छिपा दिया, जिसके बाद लोग उग्र हो गए और आरोपित को पुलिस के हवाले करने की मांग करने लगे। वो क्या हुआ कि अभी हम मतलब 2-3 दिन पहले बाहर गए हुए थे, इस बीच बाबा मेरे यहाँ गए, घर में एक भी जेंट्स नहीं था। और मेरे घर में बाबा जाने के बाद जो है कि कुछ मेरे बारे में कुछ गलत मेरी वाइफ को बताया, जिससे कि मतलब बहुत आहत हो गई। बाबा के ऊपर में हम लोग का आरोप यही है कि मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं थे। हम लोग 3 गोतनी हम लोग घर में रहते हैं, जिसमें कि 2 हम लोग ऊपर 2 मंजिला पे थे और नीचे छोटी वाली गोतनी जो थोड़ा सीधा है उनके पास में ही बाबा जो है आए थे। अब किसके थ्रू आए थे वो हम नहीं जानते हैं, अगल बगल वाला के कहने पे आए थे कि क्या। घर में आए, आने के बाद जो है खूब भड़काया उसको, बोले कि तुम्हारे हस्बैंड का जो है दूसरे के साथ में चक्कर चल रहा है और वो जो है तुम लोग को बर्बाद कर देगा। तुम जो है बेटा मेरे यहाँ जो है जन्माष्टमी के दिन तुम आना। और वो 3 बजे कल निकली है, जन्माष्टमी के दिन 3 बजे वो निकली है और अभी तक जो है वो घर नहीं आई है। बाबा के यहाँ आए हम लोग देख पूछने के लिए, बाबा जो है किसी घर में हम लोग को घुसने नहीं दे रहे हैं। और घर में आ जाएगी इसी आशा में हम लोग एक सुबह से यहाँ भूखे प्यासे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अभी भी वो बोल रहे हैं कि आ जाएगी। बाबा का कहना है कि वो आ जाएगी, हम लोग को मन में लग रहा है कि बाबा वो घर में ही रखे। गंगा में लगातार जलस्तर में वृद्धि से कई गांव जलमग्न हो गए और लोग अपने जरूरी सामानों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पलायन करने को विवश है। पिछले 3 दिनों से गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण निचले स्थानों पर बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। गंगा में उफान के कारण भागलपुर के शंकरपुर, दिलदारपुर, लत्तीपुर, बेरिया, बिनटोली समेत कई गाँव में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, जिसके कारण अपना घर खाली कर ग्रामीण मवेशियों के साथ पलायन करने को मजबूर है। शनिवार को दियारा इलाके के लोग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कैंपस में शरण लेने के लिए नाव के सहारे पहुंचे और तंबू गाड़ दिया। वहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के कई स्थान पर मवेशी मर चुके हैं, जिसके कारण दुर्गंध से लोग परेशान हैं और महामारी फैलने की आशंका है। सिल्क टीवी की टीम शनिवार को जब दियारा इलाके के लोगों का हाल जानने गाँव पहुंची तो ग्रामीणों ने एक सुर में कहा कि अब तक जिला प्रशासन की ओर से उन लोगों को कोई सुविधा नहीं दी गई है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि प्रत्येक साल राहत सामग्री बांटने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। हम लोगों को तो हर एक साल सर बाढ़ का समस्या बना हुआ है, मैंने पानी से हम लोग हर एक बार जो है मैंने अस्त व्यस्त रहते हैं।
इस बार भी हम लोग जो है एकदम पानी में पड़े हुए हैं, चारों तरफ से पानी घर में घुसा हुआ है, माल मवेशी पानी में आए, दो दिन से पड़ा हुआ है। शासन के ओर से कोई भी किसी तरह का व्यवस्था हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सर आप तो देख ही रहे हैं कि चारों तरफ घिरे हुए हैं और बहुत घर भी डूब चुका है और अभी तक जो है कि हमारा कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। बहुत चीज नुकसान हो रहा है, माल गोरु का खाल नहीं मिलता है, आदमी को नहीं मिलता है, चारों बगल पानी घेर लिया, बहुत चीज खतरा हो गया। वहीं बाढ़ का पानी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के दक्षिणी भाग में प्रवेश कर चुका है, साथ ही PNA और सिटी कॉलेज भी बाढ़ की चपेट में है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके कारण लोगों के बीच बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। हम अभी शंकरपुर दियारा में मौजूद हैं, साथ ही दिलदारपुर जो दियारा है गंगा का, उसमें भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और बाढ़ का पानी प्रवेश करने के साथ ही ग्रामीणों के बीच भय का माहौल उत्पन्न हो गया है और लोग ग्रामीण काफ़ी भयभीत हैं और जो इनकी फसलें हैं वो फसल डूब चुकी है सारी और जो पूरा इलाका है वो बाढ़ के पानी, पूरे इलाके में बाढ़ का पानी आ चुका है और ग्रामीण सुरक्षित स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का जो टिल्हा कोठी है उसमें भी कुछ ग्रामीण जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं यहाँ से। और अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई सहायता यहाँ तक मुहैया नहीं कराई गई है। ग्रामीणों में इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है और जो सरकार है बिहार सरकार के प्रति, जो जिला प्रशासन है उसके प्रति यहाँ के ग्रामीण काफी आक्रोशित है। पूरा दियारा क्षेत्र पानी में तब्दील हो चुका है। सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के आकस्मिक निधन पर देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं बांका बाराहाट में पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के भू राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। मंत्री ने कहा कि अरुण जेटली के निधन से देश के साथ भाजपा को अपूर्णीय क्षति हुई है। श्रद्धांजलि सभा में जिला अध्यक्ष विकास सिंह, प्रखंड अध्यक्ष सुभाष शाह, उज्ज्वल सिन्हा, रासमोहन ठाकुर सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी के कई कार्यक्रम स्वच्छता अभियान से चल रहा था, सारे कार्यक्रम उपस्थित किया गया और अपने वरिष्ठ नेता श्री अरुण जी जेटली जी के निधन पर हम लोगों ने शोक सभा आयोजित करके उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम हम लोगों ने किया। पूर्व रेलवे के AGM संजय सिंह गहलोत ने भागलपुर रेलवे स्टेशन एवं रेलवे के सभी विभागों का निरीक्षण किया। AGM ने सभी प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रैक, अभियंता कार्यालय एवं आवास, स्वचालित सीढ़ी, फुट ओवर ब्रिज, कैंटीन, वेड्रो द्वारा लगाई गई दुकानों, टिकट काउंटर समेत तमाम यात्री सुविधाओं का जायजा लिया और कमियों को देखकर रेलवे अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। AGM ने यात्री सुविधाओं को दुरुस्त करने और साफ सफाई के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इससे पूर्व शुक्रवार की रात भागलपुर पहुंचने पर AGM ने प्लेटफॉर्म पर पेयजल सुविधा, वेटिंग रूम और रेस्टोरेंट का जायजा लिया और स्वच्छता के साथ हर प्रकार की यात्री सुविधा एवं सुरक्षा को दुरुस्त करने की बात कही। इस मौके पर मंडल स्तर के कई पदाधिकारी, स्टेशन अधीक्षक, चीफ यार्ड मास्टर, CIT समेत कई अधिकारी एवं रेलवे कर्मी मौजूद थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग और राजीव गांधी स्टडी सर्किल की ओर से एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। बा और बापू पर आधारित सेमिनार का उद्घाटन TMBU के कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा, BN मंडल विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सतीश कुमार और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रोफेसर CP शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इसके बाद आगत अतिथियों का स्वागत बुके और अंग वस्त्र देकर किया गया। सेमिनार का विषय था गांधी के सपनों का भारत और हमारी भूमिका। इस दौरान अतिथियों के द्वारा गांधी पर आधारित दो पत्रिका का भी विमोचन किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा ने कहा कि मॉडल इंडिया गांधी का सपना था और आज उसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। साथ ही कुलपति ने कहा कि शांति निकेतन में महात्मा गांधी 8 बार आए थे और 10 मार्च 1915 को उन्होंने स्वच्छता अभियान भी चलाया था। लोग जान रहे हैं कि जो मुख्य विषय है गांधी के सपनों का भारत और हमारी भूमिका, ये जो लिखा गया है विषय, मैं पुनः विभागाध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ कि ये जो विषय है आज के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। इस विषय पे
विशेष ध्यान करने की जरूरत है और आप सभी चित्रकार से मेरी। वहीं गांधी विचार विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार ने पंचायती राज व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डाला, जबकि आयोजन सचिव डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने कहा कि गांधी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। मौके पर प्रोफेसर आरसी राय, प्रकाश चंद्र गुप्ता, वासुदेव भाई, संजय कुमार समेत कई शोधार्थी, गांधीवादी चिंतक, शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थे। गांधी एक ऐसे धागे हैं इस बिखरे हुए समाज को, भारतीय बिखरे हुए भारतीय समाज को एक सूत्र में पिरोस रहे हैं। इसलिए हमें गांधीवादी रास्ते पर चलना होगा, तभी मानवता का कल्याण संभव है। क्योंकि गांधी एक विचार है, एक विचारधारा है, उनको एक मानव के रूप में व्यक्ति सब जो टॉपिक है बहुत समीचीन है, प्रासंगिक है, समकालीन है, इस पर लंबा बहस होने की जरूरत है। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने शनिवार को ललमठिया थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने लंबित कांडों के निष्पादन करने, संचिकाओं को अपडेट रखने, थाना की समस्या और उसे दूर करने, शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश थानाध्यक्ष को दिया। एसएसपी ने कहा कि प्रत्येक दिन थानों का निरीक्षण वरीय पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जिससे क्राइम कंट्रोल किया जा सके। इससे पूर्व थाने में एसएसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सभी थानों में निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे जो लंबित कांडों का त्वरित गति से निष्पादन हो सके और जो संचिकाएं हैं उसको अपडेट रखा जा सके और अन्य जो उस थाना क्षेत्र की समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी भी ली जा सके और उसको कैसे दूर करना है उसके बारे में दिशा निर्देश दिया जा सके। इसी क्रम में आज हम लोग ललमटिया थाना क्षेत्र का इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं और इसमें मुख्यतः लंबित कांडों की समीक्षा की जाएगी, जो पुराने मामले हैं उसकी समीक्षा की जाएगी, पूर्ण शराबबंदी लागू करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाएगा और सभी संचिकाओं का अवलोकन किया जाएगा और उसमें जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है वो दिया जाएगा। बांका पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे दो शातिर बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों बदमाशों के पास से पुलिस ने दो पिस्टल और 6 गोली बरामद किया है। बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि दो अपराधी लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे थे, जिसको लेकर बाराहाट थाना अध्यक्ष परीक्षित पासवान के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान ऑटो पर सवार दो अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा। पकड़े गए दोनों अपराधी धोरैया थाना क्षेत्र के अशोक चौहान और हीरा लाल चौहान है। फिलहाल पुलिस बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। ऐसे ही सूचना संकलन करते हुए गिरफ्तारी की जा रही है। इसी क्रम में कल सूचना के आधार पर ऑटो से जा रहे दो व्यक्तियों को बाराहाट थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 देशी कट्टा, दोनों के पास से 1 देशी कट्टा और 3 कारतूस, यानी कुल 6 कारतूस, 2 देशी कट्टा और 1 खोखा बरामद किया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वरिष्ठ समाज सेवी एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष मुकुटधारी अग्रवाल का निधन शुक्रवार की शाम उनके नया बाजार स्थित आवास पर हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। मुकुटधारी अग्रवाल सामाजिक कार्यों के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर हमेशा मुखर होकर अपनी बात रखते थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने व्यापारियों के हित में कई कार्य किए और हमेशा अपना मार्गदर्शन व्यवसायियों को दिया। मुकुटधारी अग्रवाल पत्रकारिता से भी जुड़े रहे और कई मुद्दों पर अक्सर उनके लेख भी प्रकाशित हुए हैं। शनिवार को सुबह से ही उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। उनका निधन भागलपुर के लिए अपूर्णीय क्षति है। बरारी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शनिवार को पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में भैया बहनों के द्वारा जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के सचिव उपेंद्र रजक एवं प्रधानाचार्य अजित कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने कृष्ण, राधा और गोपियों के भेष में कृष्ण के रासलीला एवं बाल लीलाओं का मंचन किया। साथ ही कृष्ण के जीवन पर आधारित झांकियों ने मौजूद अतिथियों का मन मोह लिया। इस अवसर पर मनोज तिवारी, शशिभूषण मिश्र, अमर ज्योति, डॉक्टर संजीव ठाकुर सहित विद्यालय के शिक्षक एवं भैया बहन मौजूद थे। वहीं बौसी के परमेश्वर लाल खेमका सरस्वती शिशु मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर आकर्षक झांकियों का मंचन किया गया, जिसमें भगवान कृष्ण के नटखट बाल रूप से लेकर गोपियों के संग रासलीला पर विद्यालय की भैया बहनों के द्वारा प्रस्तुति दी गई। साथ ही भैया बहनों ने राधा कृष्ण, यशोदा माँ, वासुदेव बाबा और सुदामा का रूप धारण कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय सचिव राजू सिंह एवं प्रधानाचार्य संजीव कुमार झा ने संयुक्त रूप से किया। वार पीड़ित और असहाय लोगों की मदद के लिए शनिवार को जमात इस्लामी हिंद की बैठक भागलपुर के हुसैनपुर में हुई। बैठक की अध्यक्षता जमात इस्लामी हिंद बिहार के अमीर हलका मौलाना रिजवान इस्लाही ने की। इस दौरान मौलाना रिजवान ने कहा कि सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जाएगी और रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। बैठक में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने और वोटर आईडी कार्ड को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर भी चर्चा हुई। वहीं जमात इस्लामी हिंद भागलपुर के प्रमंडल प्रभारी मौलाना फारूक नदवी ने कहा कि हमारी संस्था सर्वधर्म समभाव पर कार्य करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर जल्द ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित की जाएगी। बैठक में मोहम्मद सबीर, मोहम्मद फारूक, एजाज नसीम, साहिन अनीस, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद फारूक समेत कई लोग मौजूद थे। जमात इस्लामी एक सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मुल्क में इंसानियत के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत की बेहतरी के लिए काम करती है और इस काम को करने के लिए जमात हर चार साल पर एक पॉलिसी प्रोग्राम नेशनल लेवल पर वजह करती है और मकामी सतह पर और स्टेट लेवल पर उसके लिए अहदाफ और प्रोग्राम तय करती है। अभी हमने गोया चार साल के लिए, आइंदा चार साल के लिए गोया समाज में मुख्तलिफ सतह पर काम करने के लिए, मुस्लिम माशरे में, हिंदुस्तानी समाज में, यहाँ पर सोशल जस्टिस के लिए, खिदमत खल्क के लिए, खुद अपने कैडर के अंदर अखलाकी और रूहानी तरबियत के लिए जो कुछ हमने प्रोग्राम बनाया है उसकी हम यहाँ पर तफहीम के लिए, उसके प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर लोगों को बुलाया है। भागलपुर के शहीद भगत सिंह चौक के समीप संकट मोचन दरबार में जन्माष्टमी महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को भंडारा का आयोजन किया गया। दोपहर से ही मंदिर प्रबंधन एवं आयोजन समिति के द्वारा भंडारा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान नगर विधायक अजित शर्मा भी मंदिर पहुंचे, जहां समिति की ओर से विधायक का स्वागत किया गया। विधायक ने समिति के सदस्यों के साथ श्रद्धालुओं एवं राहगीरों के बीच भंडारा का वितरण किया और जिलेवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए आगे भी इस तरह के आयोजन को जारी रखने की बात कही। इस दौरान कतारबद्ध होकर लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए थे, जहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए लंबी कतार लगी रही, जबकि समिति की ओर से व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही थी। इस मौके पर मंदिर के समीप हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। गौरतलब हो कि शुक्रवार को संकट मोचन दरबार से साईं की पालकी भ्रमण शोभा यात्रा निकाली गई थी, जबकि शनिवार को भंडारा और जागरण के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। युवा एकता सामाजिक संगठन की टीम ने शनिवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की सुविधा का जायजा लिया। टीम का नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने किया। इस दौरान टीम ने विभिन्न विभागों का जायजा लिया और दवा की उपलब्धता एवं साफ सफाई के साथ अलग अलग विभागों में चिकित्सकों की उपस्थिति की जानकारी ली। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास से मिलकर टीम ने मरीजों के हित में बेहतर व्यवस्था एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुँचाने से संबंधित सुझाव दिया। ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि
रक्त की कमी को दूर करने के लिए रक्तदान शिविर लगाया जाएगा और सप्ताह में एक दिन संगठन की ओर से अस्पताल परिसर की साफ सफाई कराई जाएगी। इस मौके पर अजय कुमार सिंह, मोहम्मद सलाउद्दीन, मेटू यादव, देवेंद्र प्रसाद योदी समेत संगठन के कई पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे। भागलपुर के बिहार पेंशनर समाज भवन में शनिवार को उमेश चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में पेंशनर समाज कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मियों को पे बैंड का लाभ मिलने, प्रवरण वेतनमान की समीक्षा, जिले की सभी पेंशनर शाखाओं द्वारा अनैच्छिक प्रति जमा करने, पत्रिका वितरण करने एवं विभिन्न मांगों को लेकर पटना के AG ऑफिस के समक्ष धरना प्रदर्शन को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उमेश चंद्र चौधरी एवं कपिल देव राय ने जिले के सभी पेंशनर शाखाओं के पदाधिकारियों एवं पेंशनरों से अपने अधिकार के प्रति जागरूक होने की बात कही। साथ ही कहा कि सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को उनका अधिकार मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी को साथ आना होगा। बैठक में प्रदीप कुमार सिंह, धनुषधारी प्रसाद, सकलदेव सिंह, LN सिन्हा, राजेंद्र ठाकुर समेत विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। भागलपुर के मुंदीचक स्थित जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में शनिवार को जदयू के जिला एवं महानगर संगठन चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जदयू के प्रदेश महासचिव सह पूर्व MLC रुदल राय एवं आलोक वर्धन ने संगठन के पंचायत स्तर पर होने वाले चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश चुनाव प्रभारी, पर्यवेक्षक एवं पीठासीन पदाधिकारियों को दिया। 28 अगस्त से 2 सितंबर तक संगठन का पंचायत स्तर का चुनाव होना है और इसी की तैयारी के लिए जिला, महानगर एवं पंचायत स्तर पर्यवेक्षक, पीठासीन एवं चुनाव प्रभारियों से चर्चा की गई। अभय कुमार सिंह को भागलपुर जिला का चुनाव प्रभारी एवं शेखर पांडे को जिला, महानगर का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि पूर्व MLC रुदल राय को जिला निर्वाचन पर्यवेक्षक एवं आलोक वर्धन को जिला, महानगर का निर्वाचन पर्यवेक्षक बनाया गया है। रुदल राय ने कहा कि संगठन के पंचायत का चुनाव निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हो, इसके लिए बैठक की गई और प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी, पर्यवेक्षक और पीठासीन पदाधिकारी शामिल हुए। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी और पर्यवेक्षक और पीठासीन पदाधिकारी का संयुक्त रूप से बैठक हुआ। 28 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक किसे चुनाव होगा पंचायत का, और उस पंचायत में जो चुनाव होगा वह नियम है, विस्तार में हम नहीं जाना चाहते हैं। उस कड़ी के तहत जो चुन के आएंगे 4 जहां क्रियाशील मेंबर होंगे, वहां एक पंचायत अध्यक्ष और एक डेलीगेट होगा, और 4 से ज़्यादा जिस पंचायत में क्रियाशील मेंबर होगा वहां किसी 3 होगा अधिक से अधिक, और ये सब मिलकर के किसी से मान लिया जाए प्रखंड का चुनाव किसी से में किसे भाग लेंगे, और प्रखंड अध्यक्ष का जब चुनाव होगा तो 14 आदमी जिला परिषद का सदस्य हो गया, यानी 15 आदमी एक प्रखंड वह जिला का वोटर होगा, और इसी के करीब में हम लोग आए हैं। बांका के बेलहर प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मानदेय भुगतान को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ता सुनीता देवी, अनीता देवी, पूनम कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार ने जनवरी 2019 से मानदेय देने की घोषणा की थी, जिसके लिए अस्पताल प्रबंधन को रिपोर्ट तैयार कर भेजने का निर्देश दिया गया था, जबकि अस्पताल प्रबंधन को सितंबर 2018 में रिपोर्ट सौंप दिया गया था। इसके बाद 6 माह के भुगतान के बदले महज 1 माह का भुगतान करने की बात अस्पताल प्रबंधन कह रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर हॉस्पिटल मैनेजर अमित कुमार ने कहा कि इस संबंध में विभाग द्वारा कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। नाथनगर के ग्रामीणों ने बाबा दुर्गेश्वर नाथ पर लगाया महिला को गायब करने का आरोप, श्री साधु सेवा आश्रम में जमकर किया हंगामा। गंगा का जल स्तर बढ़ते ही कई गांव हुआ जलमग्न, सुरक्षित स्थानों पर लोग पलायन करने को है विवश। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के आकस्मिक निधन पर देश भर में फैली शोक की लहर, भू राजस्व मंत्री एवं भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व रेलवे के AGM ने रेलवे स्टेशन सहित कॉलोनियों का किया निरीक्षण, व्यवस्था में सुधार के दिए निर्देश। और गांधी विचार विभाग में राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन, कई विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने गांधी दर्शन पर दिया व्याख्यान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।